नमस्कार, क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। हमें सामानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट की जरूरत तो पड़ती ही रहती है, तो हम जो मार्केट से सामान वगैरह लाते हैं ना, तो उसमें जो गत्ते आते हैं उनसे हम इंस्टेंट बास्केट बना सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर गत्ते संभाल कर रख ही लेती हूँ, जब भी मुझे मौका लगता है मैं उनको किसी न किसी रूप में ऑर्गेनाइज कर ही लेती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये जो गत्ता है इसका मैं बास्केट बनाऊंगी। बास्केट बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये ग्लेस पेपर, फेविकोल्स वगैरह, बस यही सब लगा कर हम बहुत सूटेबल बास्केट बना कर तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम बजट में तैयार हो जाता है और हम अच्छे गत्ते का चयन करें तो मजबूत भी होता है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वेस्ट गत्ते लिए हैं और ये ग्लेस पेपर हैं और गम वगैरह, फेविकोल्स, ये सब मैंने ले लिया है। और ये जो मैंने ग्लेस पेपर लिया है, गत्ते के बाहरी साइड से साइज से नाप करके पहले मैं कट कर लूँगी। हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें बढ़ाकर काटना है क्योंकि चिपकाना है, और ऊपर भी थोड़ा सा बढ़ाकर काटना है चिपकाने के लिए। तो ये ग्लेस पेपर चारों तरफ से नाप कर साइज से मैं कट कर लूँगी और फिर इसे चिपका दूँगी। हम जैसे गिफ्ट आइटम वगैरह रैप करते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमें करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस साइज से ग्लेस पेपर को कट करके हमें थोड़ी सी समझदारी से इसे चिपका देना है। ये चीज़ें बताने की अपेक्षा देखने से ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं इसे बनाकर दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए कितनी फटाफट ग्लेस पेपर लगाकर बास्केट बन गई। और इसी तरह से मैंने एक और बना ली है, इसे भी ठीक इसी तरह से मैंने ग्लेस पेपर लगाया है जैसा कि इसमें लगाया है। और अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। तो ये जो पर्दे का छल्ला होता है ना, ये मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, तो इसकी देखिए साइज लेकर इसमें थोड़ा सा बीच में हम टिक कर लेते हैं गोलाई से। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से रख कर गोलाई से टिक कर लिए। और अब ये गोल जो निशान लगा है इसके बीच का हिस्सा थोड़ा थोड़ा हम कैंची से या किसी स्क्रू से इसे कट कर देंगे, बीच का हिस्सा ये गत्ते का निकाल देंगे तो थोड़ा सा होल हो जाएगा। और फिर ये पर्दे का जो छल्ला है इस पे हम फेविकोल या कोई गम लगाकर इस होल के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे, एक छल्ला अंदर की ओर से और एक छल्ला बाहर की ओर से चिपका देंगे। तो ये बिल्कुल हैंडल जैसा दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा और हमें इसको निकालने में उठाने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से हमने हैंडल भी बना लिया। हैंडल को पकड़कर उठाने में रखने में हमें बहुत सुविधा होगी। इसी तरह से हमने दोनों बास्केट बना लिया है, दोनों में हमने हैंडल लगा दिया है और जो भी ग्लेस पेपर का बचा कुचा मटेरियल था उससे हमने ये तीसरा बास्केट तैयार कर लिया। इसमें ब्लू कलर काफ़ी अच्छा पहले से ही लगा था, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ ग्लेस पेपर लगाकर हमने बना लिया।
अब देखिए कपड़े अरेंज करते हैं। एक बास्केट में हमने सारे दुपट्टे अरेंज कर दिए। दुपट्टों को आप फोल्ड करके रखिए चाहे इस तरह से, और दूसरे में हमने सारे पेटीकोट्स इकट्ठे रख दिए, तीसरे में हमने कुछ और कपड़े रख दिए। तो इस तरह से बास्केट बनकर तैयार हो गई। यदि हम इस तरह से बास्केट में कपड़े अरेंज करके रखते हैं ना, तो हमारी छोटी जगह में भी काफी ज्यादा कपड़े सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, और वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।